घेराव किया जा रहा है। वहीं विधानसभा घेराव में तमाम कांग्रेस नेता मौजूद है। कांग्रेस नेता के साथ साथ जो है गांव-गांव से ग्रामीण भी मौजूद है और शहरवासी भी मौजूद है। वहीं हमारे बीच आकाश तिवारी जी मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं कि यह विधानसभा घेराव क्यों किया जा रहा है, यह विधानसभा घेराव क्यों किया जा रहा है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखेंगे जो क्राइम का लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हैं, जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, जो चाकूबाजी है, वह पूरा निरंतर बढ़ते जा रहा है। जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी का आह्वान था कि हम सब लोग मिलकर आम जन के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे और जो सरकार सांस-सांस सोई हुई है उसको जगाने का एक प्रयास करेंगे। अच्छा, यह जो विधानसभा घेराव है इसके बावजूद आप लोग की सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? अभी देखिए, ये तो सड़क की लड़ाई है, सदन के अंदर भी हमारे नेता लड़ रहे हैं और सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में दो दशा होती लड़ने की, एक सदन के अंदर, एक सड़क की लड़ाई, तो हम दोनों कर रहे हैं। इसके बाद ईश्वर है। पर पुलिस प्रशासन द्वारा निजात अभियान जा रहा है, निजात अभियान के तहत कई जो अपराध है वो थमे हुए हैं, इसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि हमारी बात पर विश्वास मत करिए। आप आंकड़ों पर विश्वास करेंगे? जो सरकारी आंकड़ा है वो पिछले 8 महीने क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में अपराध किस प्रकार बढ़ रहे हैं। बिजली बिल की महंगाई, जो आम जन है उसको जीवन दुश्वार हुआ है पिछले 8 महीने में, ये बात तय है। वही आकाश तिवारी का कहना है कि अब राजधानी रायपुर में जो है अपराध जो है बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विधानसभा घेराव किया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रही हमारे सौरमय टाइम्स में। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।